18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज और आपके साथ मैं हूं किशनगंज जिला के सरजमी से नरोत्तम भारती और सज्जन दझा। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस के लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। हम उनसे जानेंगे कि आगामी जो चुनाव है उनमें उनका क्या मुद्दा है, वो इस क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे, वो इस क्षेत्र को कैसे विकासशील से विकासशील बनाएंगे, वो क्या करेंगे। इस सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे जनाब मोहम्मद डॉक्टर जावेद जी से कि उनका लोकसभा में विजय प्राप्त करने बाद वो किसान का जीर्णोद्धार कैसे करेंगे। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर जनाब मोहम्मद जी। जी जी, आपके आपको ये है कि हम सबसे पहला मुद्दा कि आप अगर गठबंधन में रह के किशनगंज का विकास कैसे करेंगे, जीर्णोद्धार कैसे करेंगे जीत प्राप्त होने के बाद। देखिए, यहाँ पे दो चार बहुत अहम मुद्दा है। एक सबसे पहला है एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस पर पूरा जोर दिया जाए और हालात को बदले। इस सीमांचल से जो पलायन हो रही है इस पर आप क्या कर रहे हैं, इसे आप किस तरह रोकेंगे? पलायन का सिलसिला पिछले 15-20 सालों से शुरू हुआ, पिछले 10-12 साल में अधिकतम, और ये वो पीरियड है जिसमें हमारे सुशासन बाबू का राज चल रहा था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं एक तरफ, लेकिन जो सही मुद्दे हैं उस पर उन्होंने कभी अपना मुनासिब काम होना था उन्होंने नहीं किया, जिसके वजह से ये इलाके से लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अपने परिवार को पालने के लिए बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ा, जो वाकई शर्मनाक और अफसोसनाक बात की बात बड़ी होती है कि आए दिन छात्र संघ जो होते हैं छात्र होते हैं वही एमयू के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। आप एमयू के लिए और यहाँ के छात्र सीमांचल के छात्र के लिए क्या करेंगे? एमयू हमारे यूपीए गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ दिया गया और 137 करोड़ लगभग अमाउंट एलोकेट करने के बाद यहाँ पे हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी यहाँ पे आके शिलान्यास की। इत्तेफाक कि इलेक्शन हम हार गए और अफसोस की बात ये है कि ये जो आरएसएस लेड बीजेपी सरकार है इन्होंने इस इलाके को एक एम्प्लॉयमेंट वर्कर का एक हिस्सा समझ के यहाँ के जो हकूक है खास करके एजुकेशनल है उसको नहीं होने, वरना वो 130 करोड़ जो एलोकेट किया गया था यूपी गवर्नमेंट से वो भी आना था और 5 सालों में लगभग 1,000 और करोड़ आना चाहिए था, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो बनती है इसमें कई हज़ार करोड़ लगते हैं और इससे एम्प्लॉयमेंट भी होता है और सबसे बड़ी बात होती है कि एजुकेशनल का एक बात और उठती है कि अभी हैदराबाद से आई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इसी क्षेत्र में कर रही है, यहाँ तक कि बीजेपी जो है वो हिंदू के लिए जाना जाता है, हिंदू पार्टी के हिंदू लोग वहाँ वोट देते हैं, मगर इस बार जो है किशनगंज के मूड कुछ बदलाव देखी जा रही है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, यहाँ के लोग को दंगा नहीं चाहिए, जो कि आप जानते हैं बीजेपी भी आरएसएस से जुड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के भाई जो असदुद्दीन ओवैसी आए दिन भाषण देते रहते हैं विरोध में, आप उससे कैसे निजात पाने के लिए उससे आप कैसे बचाना चाहते हैं? ये इलाका दंगा तो बहुत दूर की बात है, हम लोग में आपस में मारपीट भी नहीं होता, हम लोग आपस में एक दूसरे की हर त्यौहार में शामिल होते हैं और शादी ब्याह में शामिल होते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे को चचा भतीजा मामू भगना नाना नानी और वगैरह वगैरह से आज भी हम लोग वो तहजीब जो हमारे फोर फादर्स थी वो मेंटेन करते हैं। तो राइट तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ झगड़ा भी नहीं होता। तो ये जो आपने खुद ही कहा कि एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को एक तबके की पार्टी करती है और दूसरी पार्टी है वो दूसरे तबके की पार्टी, इनका मकसद है कि किशनगंज को दूसरा कश्मीर बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, मैं तो छोड़िए, यहाँ की पब्लिक आम जनता नहीं चाहती कि हम लोग किसी तरह से भी हमारा यहाँ पे भाईचारे का माहौल है वो खराब। और असेंबली इलेक्शन में भी इन लोगों ने ये आजमाया
और उसका नतीजा ये हुआ कि चारों के चारों सीट गठबंधन को मिला, यहाँ के लोगों ने गठबंधन को दिया। तो इसलिए ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनका मतलब ही है कि भाई समाज को तोड़ो और अपनी राजनीति करो। यहाँ के लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते और ना ही पसंद करते। यहाँ के आम आवाम से आप निवेदन करते हैं? निवेदन करेंगे कि भाई हम कैंडिडेट हैं महागठबंधन के और हमें वोट दें, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएं, जो सच्चे इंसान हैं। सच्चे इंसान के अलावा जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कि हम लोन, जो किसान जो बदहाल थे उनका लोन माफ़ करेंगे। अभी उन्होंने फिर वादा किया है जो 20% जो सबसे गरीब लोग हैं उनको 6,000 रुपया प्रति महीना, 200 रुपया प्रति दिन साल भर उनको मिलेगा, जिससे मुझे लगता है कि इस तरह की स्कीम दुनिया में कभी किसी ने सोची नहीं होगी और ये बहुत आसानी से मुमकिन है। क्योंकि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, जो चौकीदार कहते हैं, वो असल में चौकीदारी करते हैं पूंजीपति अपने साथियों के लिए। उतना रकम जो 20% गरीबों को दिया जा सकता है, वो उतना या उससे ज़्यादा रकम जो है वो चुनिंदा 2-4-5-10 उनके पूंजीपति को वो देते हैं। तो ये मुमकिन है और इससे समाज में बहुत बदलाव और अच्छा बदलाव आएगा। अच्छा, आप जीत प्राप्त करने के बाद किशन जी का जीर्णोद्धार कैसे करते हैं? अब जब वो अभी अज्यूम करना, इस साल से तो करीब अभी तक कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। विधानसभा में जिस तरह हमने तरक्की की कोशिश की और काफ़ी हद तक तरक्की हुई, हम चाहेंगे कि अगर लोगों ने यहाँ पे हमें मौका दिया तो सेंट्रल फंड से हम लाएंगे, हर डिपार्टमेंट से कोशिश करेंगे कि यहाँ कुछ ना कुछ योगदान हो और हर साल योगदान। छोटी सी आपसे बात है कि सोशल मीडिया का जो उपयोग आज के भी या दूसरे पार्टी जो होते हैं वो आपको समाज को भड़काने के लिए, समाज में आपको जीर्णोद्धार ना हो, समाज का विकास न हो, इसलिए उपयोग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया से बचने के लिए जो है आपको कैसे आप युवाओं को? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रवि जी आप ही में से हैं, पत्रकार हैं, बहुत फेमस पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि टीवी देखना छोड़ रहे हैं और ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के बारे में भी रेफर किया होगा उन्होंने। अगर ये छोड़ दें हम हफ्ता दिन के लिए भी, तो हमें जो बुनियादी परेशानियाँ हैं, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसका अंदाज़ा मिलेगा। जो हालात खराब किया है इस आरएसएस की सरकार ने हिंदुस्तान में, छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए, मालिक बर्बाद हो गए, जो उसमें नौकरी करते थे वो बेचारे बदहाल हो गए, उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं पैसे की किल्लत की वजह से, छात्र दिशाहीन है, एजुकेशन हो गया लेकिन किसी तरह का जॉब नहीं मिल पा रहा है, जॉब मांगने पे पकोड़ा और चाय बनाने की हिदायत मिल रही है, वो उसका जो सही जो पोजीशन है हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स का, उससे लोग वापस। धन्यवाद। साफ शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है डॉक्टर जनाब मोहम्मद जी, उनका साफ कहना है कि वो जातिवाद की भावना से ऊपर उठकर विकास के लिए काम करेंगे, किशन जिला का जीर्णोद्धार कैसे हो इसके लिए काम करेंगे। इसी तरह से हम और ही मुद्दों को लेकर आएंगे अपने टीवी स्क्रीन पर।